राष्ट्र संसद से राष्ट्रपिता गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन 15 से 19 जनवरी तक होगा, ऐसी जानकारी राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे इन्होंने पत्र परिषद के दौरान दी है। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के 150वें जयंती वर्ष के अवसर पर 15 से 19 जनवरी को मोजरी से सेवाग्राम तक राष्ट्र संत से राष्ट्रपिता गांधी संकल्प यात्रा का आयोजन राज्यसभा सांसद पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा इत्यादि भारतीय मूल्यों को पूरे विश्व में पहुंचाने का काम। गांधी जी के जन्म के 150 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने उनके विचार और सिद्धांत जन जन तक पहुंचाने के लिए यह अभियान शुरू किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी जी के मूल्यों को पुनर्स्थापित करने का काम किया है। आज भी गांधी जी के विचार प्रासंगिक है। 5 दिन की गांधी यात्रा शुभारंभ 15 जनवरी को राष्ट्र संत टुकड़ोजी महाराज और संत गाड़गे महाराज की पावन भूमि गुरुकुंज आश्रम मोजरी से होगा। सुबह 11:30 बजे आयोजित शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया तथा श्रीमती यशोमती ठाकुर, मंत्री महिला व बाल कल्याण महाराष्ट्र राज्य तथा पालक मंत्री अमरावती उपस्थित रहेंगे। 19 जनवरी को सुबह 10 बजे गांधी आश्रम सेवाग्राम वर्धा में पद यात्रा का समापन होगा, ऐसी जानकारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर विकास महात्मे इन्होंने इन बीसीएन के समक्ष दी है। दर्शकों नमस्कार, इस समय में इन विषय की टीम है ऐसी जगहों पे जैसे रवि भवन का। ये वो सभागृह है जहां पे एक आज बहुत बड़ा बात होने वाली है। लोग जो है अपना एक निर्धार कर चुके हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि लोग घरों में बैठे रहते हैं, खाना खाते हैं, कुछ व्यायाम करते नहीं। ऐसे में उनके शरीर जो स्वास्थ्य है उसमें काफ़ी प्रभावित होते, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सभाओं के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से, प्रचार यात्रा के माध्यम से लोगों का कारवास खुद साथ में लेके चलते हैं और उनका स्वास्थ्य कितना मजबूत हो इसका ध्यान भी रखते हैं। जी, हम बात करने जा रहे हैं राज्यसभा सांसद, इस समय में हमारे साथ में पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे साहब है, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या उन्हें लगा सूजी के, जिसके चलते वे नागरिकों का स्वास्थ्य इस कार्यक्रम माध्यम से लिए जा रहे हैं। महात्मे साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आज ये कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है, 4 दिनों का ये जो प्रोग्राम आपका रहने वाला है, गुरुकुंज से लेके सेवाग्राम तक का ये जो सफर है, पदयात्रा जो है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताइए क्या है आखिरकार। अभी आप सबको पता है कि गांधी जयंती को 150 साल हो गए हैं। अब ये 150 साल हुए हैं तो उनकी जो उनकी सोच है, उनके जो विचार है, वो लोगों तक के पहुंचना चाहिए, तो सभी को लगता है। मेरे ख्याल से लोगों तक के हम विचार पहुंचा पाए, लेकिन उसके ऊपर अमल करना बाकी है। तो अमल करने के लिए हम ये पदयात्रा निकाल रहे हैं, जो आपने सही फरमाया कि यह पदयात्रा या गांधी संकल्प यात्रा मोजरी गुरुकुंज आश्रम से, यानी राष्ट्र संत से राष्ट्रपिता, ऐसी है जैसे गुरुकुंज आश्रम से लेकर सेवाग्राम बापू जी के आश्रम तक के हैं। तो इसमें हम डेमोंस्ट्रेशन करना चाहते हैं। हम सिर्फ भाषण नहीं देंगे, भाषण तो रहेगा कि बताया जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन साथ में हम डेमोंस्ट्रेशन देना चाहते हैं ताकि लोग खुद देखें और फिर यकीन करें और फिर उनको लगे कि मैंने ऐसा करना चाहिए। जैसे साफ सफाई किस तरीके से अच्छी हो सकती है और अपने को भी उससे बीमारी ना हो, और दूसरा ये है कि वो जो कचरा है उससे हम कैसे नियोजन कर पाए ताकि उससे कुछ हम चीज़ें तैयार कर पाए, उत्पादन कर पाए। जैसे प्लास्टिक है वो अलग करते हैं तो उससे हम कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो ये जो चीज़ें बनाने का है वहाँ डेमोंस्ट्रेशन करेंगे और उससे पैसा भी मिल सकता है या उत्पादन भी होगा जो गांव के लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब ये बताए कि ये जो पदयात्रा जो होगी वो रोजाना कितने किलोमीटर की होगी? ये करीबन 20 किलोमीटर के आसपास हम रोजाना चलेंगे, तो मेरे ख्याल से सबके सेहत के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये। और हम एक गांव से दूसरे सम्मिलित, शुरुआत जो है वो मोजरी गुरुकुंज आश्रम से हो रही है और उसमें मनसुख जी मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं, आदरणीय मनसुख जी मांडविया जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र और जलपोत के मंत्री हैं, और उन्होंने भी यह एक पदयात्रा निकाली थी, उन्होंने 2-3 निकाली होगी उसके पहले, लेकिन मैं उसमें शामिल था,
तो मुझे ऐसा लगा कि हमने भी इसकी शुरुआत करना चाहिए और एक अच्छी बात है और उससे प्रेरणा लेकर यह हम कर रहे हैं। सर, इस समय में जो हमारे तमाम दर्शक हैं, वर्धा के हमारे जो दर्शक हैं, आपको गौर से देख भी रहे, सुन भी रहे, ऐसे हमारे दर्शकों के लिए डॉक्टर साहब महात्मा जी क्या कहना चाहोगे आप? वर्धा का आपने जिक्र किया, सही है, वर्धा से हम सेवाग्राम पहुँच रहे हैं जहाँ आप सबको पता है गांधी जी का निवास था। और दूसरा ये है कि वहाँ एक कार्यक्रम होगा जिसमें अलका दे कुबल जो मराठी के एक्ट्रेस वेल नोन है, फेमस है, वो आने वाले हैं और उसी वक्त समारंभ होगा और उसमें जिन्होंने अच्छा काम किया है और जिन्होंने पाँचों दिन जो हमारे साथ में थे उन सबका हम सम्मान करेंगे। बिल्कुल, जिस प्रकार से डॉक्टर अनिल महात्मा इन्होंने जो बात कही है, विकास महात्मा जी जिन्होंने जो बात की, बखुबेर बेबा के साथ बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि ये जो संकल्प यात्रा है इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कितने लोग जुड़ने वाले, कितने किलोमीटर का ये सफर होने वाला है, एक बात तो तय है कि अगर इनके जिस प्रकार से राष्ट्रसंत से लेकर राष्ट्रपिता ये जो गांधी की जो संकल्प यात्रा है अगर हम भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते तो ये बात पक्की में है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो काफ़ी मजबूत हो सकता है। क्योंकि आज अगर शहर के नागरिकों का अगर स्वास्थ्य मजबूत नहीं है तो देश भी बलवान नहीं है, मगर जिस दिन शहर के नागरिक बलवान होंगे अपने आप में, व्यायाम, प्राणायाम, योगा और इस प्रकार के अगर पदयात्रा में अगर वे भाग लेते हैं तो यकीनन उनके साथ देश भी मजबूत होगा। क्योंकि कहते हैं ना, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसी न्यूज़, नागपुर।